Hey guys, I am Sonali Radia, your parenting friend. You are on Modern Parenting. अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा और अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू बिल्ड गुड हैबिट्स इन योर चिल्ड्रन। इट इज़ फाउंड दैट इंडियन वुमेन आर द मोस्ट स्ट्रेस्ड वुमेन इन द वर्ल्ड। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि इंडियन मॉम्स जो होती है वो सब कुछ अपने आप करना चाहती है, सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने हाथ में लेना चाहती है, घर के लोगों के लिए सब कुछ करती है, बच्चों के लिए सब कुछ करना चाहती है। होल्ड ऑन गाइस, पहली बात तो आप अपने दिमाग में बिठा लो कि हम सब कुछ एक टाइम पर नहीं कर सकते। इट इज़ ओके इफ़ वी डोंट डू एवरीथिंग टुगेदर। और अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहते अपनी लाइफ में तो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो है अपने बच्चों में अच्छी आदतें बचपन से डालना। ना ये कैसे हो सकता है दोस्तों, इसी के ऊपर आज मैं आपके साथ 6 ऐसी बेहतरीन टिप्स शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप उनको फॉलो करेंगे आई एम श्योर दैट योर चिल्ड्रन विल डेवलप गुड हैबिट्स इन देम। और ये पाया गया है दोस्तों कि 3 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनको घर के कामों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। अब जो एक्टिविटीज़ वो अपने पेरेंट्स को करते हुए देखते हैं वो भी वो लोग ट्राई करना चाहते हैं। सो आई टेल ऑल पेरेंट्स आउट देयर, यही जो टाइम है 3 से 5 साल के बच्चों के लिए, आप उनको मैक्सिमम जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो आप उनको उस एज में सिखा दो, तो ये उनके लिए भी अच्छा होगा और आप सबके लिए भी उतना ही अच्छा होगा। आपके ऊपर भी वो जो बर्डन होता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का वो कम हो जाएगा। माई टिप नंबर 1 इज़ सूनर इज़ बेटर। यानी कि जितना जल्दी आप अच्छी आदतें उनमें डालना चालू करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। नेवर फॉरगेट दिस थिंग दैट चिल्ड्रन आर कॉपीकैट्स, दे लर्न एवरीथिंग इमिटेटिंग देयर एल्डर्स। और ये बात आप कभी मत भूलना, अगर आपको कुछ अच्छा अपने बच्चों को सिखाना है तो आप पहले खुद उनको अमल करें और उसके बाद आप अपने बच्चों को वो अपने आप ही करते हुए देखोगे। जैसे कि मैं अपनी 1.5 साल की बेटी के बारे में आपको बताऊँ, शी हैज़ स्टार्टेड क्लीनिंग रूटीन विथ हर ग्रैंड मॉम। जैसे उनकी दादी करती है सब कुछ क्लीन करती है, सब कुछ साफ़ करती है, वो भी उनकी तरह डस्टिंग करती है, टेबल क्लीन करती है। जब बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं तब वो अगर कोई हैबिट उनमें डेवलप हो जाती है तो उनके लिए वो परमानेंट हो जाती है और उनकी लाइफ में वो काम आती है। जैसे कि अगर बच्चा 1 या 1.5 साल का हो चुका है, ट्राई टू डेवलप हैबिट ऑफ आफ्टर प्लेइंग विद द टॉयज दे हैव टू अरेंज द टॉयज बैक टू द प्लेस वेयर इट वॉज पिक्ड फ्रॉम। और जो भी चीज़ें वो जहाँ से उठाते हैं वो कोई बात नहीं उससे खेले, लेकिन उसके बाद वो चीज़ वो उनकी जगह पर रख दे। अगर बच्चे चलने लगे हैं, 2.5 या 3 साल के हो चुके हैं, तो आप उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो कि अगर वो अपनी प्लेट खुद लगाए और खाने के बाद आप उनको गाइड करो कि वो प्लेट कहाँ पे रखनी है। ये जो छोटी छोटी हैबिट्स है वो आप उनको बचपन से ही सिखाना चालू कर दो। माई टिप नंबर 2 इज़ पेशेंस, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप आउट ऑफ ऑल। एज पेरेंट्स हम क्या गलती करते हैं कि हम सब कुछ फटाफट ख़त्म करना चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते हैं कि बच्चे मैस क्रिएट करें क्योंकि वो हमें ही साफ़ करना होता है, और इसीलिए हम बच्चों को कुछ अच्छी चीज़ सिखाना चाहते ही नहीं हैं। अब हम पूरा दिन कंप्लेन करते रहते हैं उनके बारे में। जितना हो सके आप अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दो कि वो कुछ ना कुछ अपनी जो एक्टिविटीज़ है वो अपने आप करे, उनका काम जो है वो अपने आप करे, अपना टेबल, अपना स्टडी टेबल क्लियर करे, अपने बुक्स अरेंज करे, अपना बैग रेडी करे। वो उनको भले ही ज़्यादा टाइम लगे कोई बात नहीं, आप उनके बाद एक बार चेक कर लेना कि सब कुछ प्रॉपर है या नहीं। आप उनको एक हैबिट ऐसी डेवलप कर सकते हो कि जो अपना काम है वो खुद ही करना है, और इसी तरह से आप छोटी छोटी एक्टिविटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ अपने बच्चों को ये सब चीज़ें सिखा सकते हो। टिप नंबर 3 इज़ बी कंसिस्टेंट। अगर आप कोई भी अच्छा कोई रूल सेट करते हो तो आप उसमें कंसिस्टेंट रहो। आप क्या करते हो एज पेरेंट्स, कई बार हमारे पास टाइम होता है, हम बार नहीं होता है, कई बार हमें काफ़ी देर हो गई होती है, तो हम जो भी रूल्स होते हैं वो अपने हिसाब से हम बार बार चेंज करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जो हम अच्छी हैबिट उनको सिखाना चाहते हैं उसमें एक रेगुलरिटी नहीं रहेगी, और इसी वजह से बच्चे जो है वो अच्छा कुछ भी सीख नहीं पाते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि
स्क्रीन टाइम. अगर हमारे फ्रेंड्स या फैमिली में कोई हमारे घर पे आया है, कोई गेस्ट है हमारे घर पे, तो तब हमें उनके साथ टाइम स्पेंड करना है. और इसीलिए हम बच्चों को टीवी देखने भेज देते हैं, मोबाइल अब उनके हाथ में दे देते हैं. और ये जो बात है वो बहुत गलत है, क्योंकि वैसे तो हम बच्चों को स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहते हैं और हम उनकी बात नहीं मानते हैं, लेकिन जैसे ही कोई आता है हमारे घर पे, हम उनको फटाफट से ये स्क्रीन टाइम दे देते हैं. तो उनके ऊपर जो है इसका असर ये पड़ेगा कि वी कैन चेंज द रूल्स, वी कैन चेंज द हैबिट्स अकॉर्डिंग टू अवर विश व्हेनेवर वी वॉन्ट. So this is the negative information that is being passed from parents to children. So this is very important to be consistent in whatever rules you are setting. Jo fourth tip hai wo ye hai ki develop good eating habits. This is very important for all the parents and for the children to follow strict eating habits. Please aap apne bachcho ke liye packets food avoid kare. Aap khud bhi unke samne please packets food mat khaye. दूसरी बात, आप अपने बच्चों में पहले से ही ये हैबिट डाल दो कि इट इज़ अ स्ट्रिक्ट नो फॉर देम टू मंच बिटवीन देयर मेन मील्स. ईटिंग हैबिट्स में ये भी आ जाता है कि यू हैव टू वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली बिफोर ईटिंग एनीथिंग, आफ्टर ईटिंग अपने प्लेट्स खुद उठाओ. यू कैन ऑल्सो एनकरेज योर चिल्ड्रन टू अरेंज द टेबल फॉर रेस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स फॉर द मील. और बच्चे ये काफ़ी एंजॉय करते हैं, जब छोटे होते हैं तो उनको काफ़ी मज़ा आता है टेबल अरेंज करने में. तो कभी कभी उनको दिखाओ कि कैसे इंडिया में सभी लोगों को खाना नहीं मिलता है और हमारी प्लेट में खाना है, तो वो खाने की रिस्पेक्ट करे. तो ये जो चीज़ें हैं वो बचपन से ही सिखानी अच्छी होती है. फिफ्थ जो मेरी टिप है वो है डेवलप गुड स्लीपिंग हैबिट्स. आप अपने बच्चों का जो स्लीप रूटीन है उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दो. आप उनको आप इसी तरह से ट्राई करो कि आपके जो बच्चे हैं वो जल्दी सो जाए और जल्दी से उठे, क्योंकि इस तरह से उनके जो हॉर्मोन्स हैं वो भी बैलेंस रहेंगे. आप सोने से पहले उनको रीडिंग हैबिट भी डाल सकते हो. आप उनके साथ एक या दो पेज रीड कर सकते हो. उनको उनकी तरह की बुक्स दे दो. सोने से पहले एक ये रूटीन बना दो कि सबको घर में एक या दो पेज रीड करने ही हैं. नो स्क्रीन्स बिफोर गोइंग टू बेड, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट यू आर गोइंग टू डेवलप फॉर रेस्ट ऑफ देयर लाइफ. मैंने कई सारे पेरेंट्स को देखा है कि वो अपने बच्चों को राइम्स दिखाते हैं फ़ोन पर, उसके बाद ही बच्चों को नींद आती है, या तो बच्चे कोई गेम्स खेलते हैं रात को सोने से पहले. आप जो है ये थोड़ा सा सोचो उनके बारे में, बिकॉज दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प देम इन देयर फ्यूचर. दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर देम इन देयर फ्यूचर. सिक्स्थ जो मेरी टिप है वो है इंक्लूड फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर ऑल मेम्बर्स इन द फैमिली. क्योंकि इससे क्या होगा कि बच्चे भी देखेंगे कि खाने के बाद सीधा टीवी देखना इज़ अ बिग नो नो. एवरीबडी हैज़ टू गो आउट ऑफ द हाउस, दे हैव टू वॉक अ वाइल, हैव सम फैमिली टॉक्स, हैव सम फ्रूटफुल टॉक्स. और फिजिकल एक्टिविटीज़ हम कैसे कर सकते हैं? हम खुद भी वॉक के लिए जा सकते हैं, बच्चों को भी ले जा सकते हैं, साइकिलिंग करा सकते हैं बच्चों को बाहर. इस तरह से जो हेल्थ हैबिट्स है वो उनमें बचपन से आ जाएगी. और पता है दोस्तों, जैसे ख़राब आदतों का नशा होता है वैसे ही अच्छी आदतों का भी नशा होता है. और ये बात जो है वो बच्चों में बचपन से आ जाती है और उनको अपनी पूरी जो लाइफ होती है उसमें काम आती है. स्पेंड सम टाइम, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू गेट इन्वॉल्व इन द लाइफ. उनको सब कुछ उनके हाथों में दे देने से नहीं हो जाता है. यू हैव टू बी पार्ट ऑफ देयर वंडरफुल लाइफ. एंड दिस इज़ इट फॉर द डे. See you in my next video. Keep sharing, keep liking. Thank you.